तो यहाँ पर जी जाले वगैरह उतारे जा रहे हैं, जो जाले थे ना वो उतारे जा रहे हैं बेगम साहिबा ने सुबह सुबह ही ना, अपनी ये वाली जो साफ सफाई है ना यहाँ की कमरे की वो शुरू कर दी है। ये हम लोग लेके आए थे जी विलेज से, आराम को हम ना मुझे काम भी करने दो तो काम वगैरह सुबह को ही करना होता है क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं। बाकी नाश्ता भी करवाया, बच्चों को बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। आज हदीका को भी नहीं, हदीका नहीं गई इसलिए क्योंकि बड़ी क्लास जो क्लासे हैं ना बड़ी उनके पेपर हो रहे हैं तो इसलिए हदीका की पढ़ाई नहीं होती तो इसलिए वो छुट्टी कर ली उसने। छुट्टी कर ली मतलब कि आप नहीं कराई है ना? नहीं नहीं छुट्टी है उन्हें छोटी, क्योंकि उनका अभी वो एडमिशन नहीं हुआ ना, पढ़ाई नहीं हो रही उनकी, अभी नहीं हो रही पढ़ाई। आपको तो किसने कहा पढ़ाई नहीं हो रही? अभी बनानी है। आपको किसने कहा पढ़ाई नहीं हो रही? आपने जाने ही नहीं दिया जब एक बच्चे को स्कूल, नहीं रोका तो फिर किसने रोका? पढ़ाई नहीं हो रही थी, जिन्होंने कहा कि आए तो आपके मर्जी ना है पढ़ाई। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने रोका, इस बात का मतलब ये है कि आपने रोका। हाँ तो सीधी सी तरफ बोलो ना कि आपने रोका। वो बात का मसला था, वो मेरा काम था, वो आपका काम तो नहीं था। तो हो जाएगा, छुट्टी मैंने नहीं करवाई। आपने ही कराई है, इस बात का मतलब कि आपने ही कराई है। टीचर ने ये नहीं कहा कि स्कूल नहीं आना, टीचर ने कहा आओ ना आओ। कल भी आपने, कल भी आप इसको रोकने वाली थी लेकिन कल मैं सामने बैठा हुआ तो फिर आपने नहीं रोका, आज फिर आपने रोक लिया उसको, मैं सामने नहीं था तो। पढ़ाई नहीं होती तो फिर क्या? भाई आपका मकसद क्या है, पढ़ाई हो या ना हो आपने भेजना है उसको स्कूल। अगर चार लफ्ज नहीं तो एक लफ्ज वो पढ़ के आती, बिल्कुल नहीं पढ़ाती, पेपर हो रहे हैं बाकी क्लासों के। ले जी हदीका भी आ गई। हदीका आपको किसने कहा था छुट्टी करने का? टीचर ने रोका था। टीचर ने क्या था करने की? टीचर ने क्या बोला था कि आप नहीं आना स्कूल में? नहीं टीचर ने कहा था कि आपकी मर्जी आओ या ना आओ। उसने कहा था कि आपकी मर्जी। मैं एक बच्चे से जाती थी और कोई बच्चा भी नहीं आता था कल मेरी क्लास में, फिर मैं भी नहीं गई। मैं टीचर ने कहा था आपकी मर्जी आओ या ना आओ। चलो ठीक है, देख लो माँ बेटी मिलके ना चूना लगा रही है मुझे चूना, फिर ये भी चूना लगाया करेगी, हाँ ये भी सीख जाएगी चूना लगाना। चूना लगाओगी फिर बाद में मुझे? हाँ भी कर रही है। और ऐशा आप भी चूना लगाया करोगी मुझे? चूना लगाया करोगी? हंस रही हो आगे से? तो ये सफाई वगैरह हो रही है, फिर ऐसा मुझे नाश्ता वास्ता दो, नाश्ता कर लूँ मैं। हाँ कर लेंगे नाश्ता, तो हम भी अपना काम करेंगे वरना बैठे रहेंगे आपके नाश्ते में। नाश्ता मैंने साल भर करना होता है, अभी नाश्ता करेंगे फिर चाय मांगेंगे, सारा दिन हमारे यही काम में गुजर जाएगा। आधी रोटी दे दो साथ में चाय दे दो बस, अल्लाह खैर सलाह। इधर से रोटी दो उधर से चाय बनाना शुरू कर दो। हाँ छोटी है कहती काटी कर। क्यों काटी नहीं करती, वो खेलती है उसके साथ, काटी नहीं करता मेरा बेटा, चुम्मी लेती है वो, है ना? ले जी बेगम साहिबा जी आ गई है छत के ऊपर और सिलाई मशीन भी साथ में ले आई है, क्योंकि आज हदीका तो गई नहीं थी अभी तक, नीचे बैठ कर ना ये लोग सिलाई कर रहे थे और ऐशा का मेरे ख्याल में सूट सी रही थी, पता नहीं कितना मुकम्मल हुआ है वो तो अभी पता चल जाएगा, हम लोग देखेंगे। नहीं कुछ छोटे शलवारी वगैरह भी सी हैं, बस अभी बैठी हूँ थोड़ा सा सिया। और हमना भी ठीक पीछे आ गई। हमना आप क्या करने आई हो, मुँह तो दिखाओ, आपने क्या खाया? रो रही थी आप? हाँ आ तो गई हो, रो क्यों रही थी, रो क्यों रही थी? अच्छा हदीका नहीं चाहती अंधी, हदीका नहीं चाहती अंधी, हदीका ने मोबाइल नहीं दिया ना। अच्छा अच्छा हदीका ने मोबाइल नहीं दिया, हाँ मैंने हदीका से कहा था मुझे मोबाइल उठा के दो। ठीक ठीक मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि कुछ बातें जी हमें भी समझ में नहीं आती, बाद में दोबारा रिपीट करना पड़ता है। बेगम साहिबा जी यहाँ पर ऐशा के सी रही हैं कपड़े, क्योंकि बेगम साहिबा ने इस हफ्ते पहले भी एक सूट सिलाई किया था जो आज आपने देखा था ना ऐशा ने पहना हुआ था, वो भी इसी हफ्ते सिलाई किया था बेगम साहिबा ने। हाँ जी क्योंकि गर्मी आ गई है ना, गर्मियों में ज़्यादा कपड़े इस्तेमाल होते हैं और घर में टुकड़े बचे हुए थे जो हमारे गर्मियों के पिछले साल कपड़े जो हमने लिए थे तो उनमें से बचे हुए थे घर में टुकड़े, तो मैंने कहा छोटे छोटे बना लूँ क्योंकि अब वो थोड़ी थोड़ी
चलना शुरू हो गई है ना, कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे बनाऊंगी और कपड़े भी ज्यादा इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैंने सीना शुरू कर दिया, क्योंकि आगे माशाल्लाह से रमजान शरीफ भी आने वाला है, तो रमजान शरीफ में तो कोई काम नहीं होता सिर्फ क्योंकि रोजे रखेंगे, तो इसलिए मैंने कहा थोड़े दिखा तो दो, दिखा दो कौन सा डिजाइन बना रही हो, कुछ थोड़ा बहुत पता तो चले, शक्ल मुकम्मल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पता, थोड़ा सा पता तो चले कि क्या डिजाइन निकलेगा, फ्रंट दिखाओ, फ्रंट ये कुछ ऐसे बन गए जी, ये गोल्डन मोती इसमें लगाऊंगी, ये जी ऐशा का नया सूट बन गया है और आप लोगों ने बताना है, वैसे पहना के भी आप लोगों को, बस जैसे सिलाई हो जाएगा हमने रखना थोड़ी है, हम तो फौरन ही पहना देंगे, क्योंकि जो आज उसने पहना हुआ है ना अभी वो नीचे है अभी। हाँ जी, तो वो बात में मैंने काट दी, तो आप लोगों को जी जरूर दिखाएंगे, जैसे पहनाएंगे फौरन आप लोगों को पता चल जाएगा। और इस तरफ जी इसको सुला दिया है ना, वरना ये तंग कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, ये काम नहीं करने दे रही थी, रो रही थी रो रही थी रो रही थी, 5 मिनट के बाद नहीं, बच्चे तो वैसे भी काम नहीं करने देते, और हम ना ऐशा जितनी बची बस मुश्किल से सिलाई मशीन उठा लेती हूँ जब वो सो जाती हैं। हाँ जी, और खाना कोई चीज उठा ली, कभी कोई चीज उठा ली, तो और खाना जी हमारा वो कल वाली दाल ही पड़ी हुई है, जो हमने कल दाल बनाई थी ना, हमारे पास दाल वो बची हुई है, आज शाम को बेगम साहब ने सिर्फ ताज़ा रोटी बनानी है और सालन नहीं बनाना, सालन हमारे पास रखा हुआ है, बस जब तक ये भी खत्म करे। शलवार बना दी इसकी? नहीं अभी शलवार काट के रख दिया, काट के रख दिया, ठीक है वो भी बन जाएगी। तो बेगम साहब जी मेरे ख्याल में मुकम्मल कर लिया इन्होंने कमीज, है ना, सिलाई कर ली है मुकम्मल, शलवार भी और कमीज भी, और बस ये मोती लगा रही हूँ ऐसे वक्फे वक्फे से, प्यारे लगेंगे ब्लैक पे गोल्डन, तो इसलिए मैंने कहा ऐसे बना दूं। हम ना पीछे तो हट जाओ आप, किसका है? ये किसका है, डिजाइन देख लें जी खुद ही, हम ना रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, ठहरो ठहरो, हिलना नहीं हिलना नहीं, ये किसका है, ऐशा का, ये किसका है, मेरा मेरा हर शे तेरी होंदी है, जेरी शे होवे तेरी होंदी है, ये आपका नहीं है, ये ऐशा ऐशा का है, बहना का है, बहना का, नहीं नहीं हई हई क्या होता है, शलवार भी बन गई है यार, ये तो कमाल हो गया, शलवार भी बन गई जी, सूट तो मुकम्मल हो गया, बस ये करना है और पहनाना है, कहाँ ऐशा पहनाओ उसको जरा, मुकम्मल हो गया, बस थोड़े से मोती और रहते, मोती बाद में लगा लेना यार, पहना के तो दिखा दो, बाद में लगाती रहना, मुझे दो मोती लगाओ, दो तीन रह गए बाकी, अधिका ले आओ, ऐशा को तो ले आओ, अधिका वो शापर ले के आना, शापर भी लेके आना, तो ले हैं जी, एक नया सूट उतार दिया और दूसरा नया पहनाया जा रहा है। तो सिलाई की है तो कपड़े उसके हमसे ना पहनाए, हम ना कहते हैं मुझे पहना दो, पहनाओ पहनाओ पहनाओ, ऐशा के ऐशा के ऐशा के, हाँ मेरे ले आ, मेरे गेंदा, हाँ तेरे गेंदा, वहाँ चलो ठीक है आपके भी ले आऊँगा, वाह ऐशा वाह ऐशा वाह, नया सूट पहन भी लिया ऐशा ने, ऐशा ने नया सूट पहन लिया, हाँ पहन लिया, ये कौन सी लड़की है, ये कौन लड़की है, ये कौन है, ये कमीज भी उठा लो यहाँ से, अरे वाह, अभी देखो अभी इधर देखो इधर देखो, कंगी वंगी नहीं की बस ऐसे, ठीक है कुछ नहीं होता, ठीक है ऐशा अभी देखो इधर, ऐशा ऐशा ही, आज आपकी मम्मा ने खाना नहीं बनाया, आपकी मम्मा की पिटाई लगानी पड़ेगी, आज सालन तो नहीं बनाया, नहीं रोटी बनाएंगे ना, सालन रखा हुआ है ना, हाँ जी आज अपने बेटे का सूट सिया, आज सूट तो सी दिया, हमारे लिए जो है ना ताज़ा सालन नहीं बनाया, आपकी मम्मा की पिटाई लगानी पड़ेगी, एक काम रखना पड़ता है, दूसरा उठा, जब दूसरा करें तो एक काम रखना पड़ता है बच्चों, हाँ जी क्यों अधिका क्या ख्याल है, हैं ये सारा दिन में मैंने एक ही सूट, पिटाई लगाते, पिटाई लगानी पड़ेगी, आपकी पिटाई लगनी चाहिए, नहीं क्या क्या है, फिर सालन भी बनाती ना, पिटाई आपकी आपकी होनी चाहिए, आपकी मम्मा की नहीं, आपकी पिटाई लगनी चाहिए, सालन है पड़ा वो तो कल वाला है, हाँ मैं तो कहता हूँ झाड़ू से ना आपकी पिटाई लगनी चाहिए, नहीं चले कोई बात नहीं, बस मेरे बेटे का नया सूट सिलाई हो गया ना, ही खुश हो रही है, खुश नहीं जाएगी किसी के पास नहीं, पता चलता है ना उसको, हाँ जी, तो बस जी ठीक है, आप लोगों को ना अभी नया सूट भी पहना के दिखा दिया आप लोगों को, ये वाला
ऐशा का सूट कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है, और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी वो भी ज़रूर बताना है, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि बराए मेहरबानी वीडियो आप देखते हैं, अगर आपके पास कमेंट का टाइम नहीं होता ना तो कमेंट नहीं करते, तो कम से कम लाइक तो कर दिया करें। लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल फ्री होता है, तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। टाइम भी नहीं लगता, टाइम भी नहीं लगता, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। तो बस ठीक है जी, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। हम ना बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़।